हेलो एवरीवन, स्वागतम 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 आप सभी का। आज की ये जो वीडियो है काफी ज्यादा अलग है बाकी सारे जितने भी वीडियोस होते हैं उन सबसे। मैं वापस से वो जो वॉचेस की एंथुजियाज्म है उसको लेकर के आना चाहता हूँ इस चैनल पे। सो आई टॉक टू यू अबाउट फोर अंडर रेटेड वॉचेस प्लस वन एक्स्ट्रा बोनस जो कि बहुत ही ज्यादा अंडर रेटेड एंड आई बिलीव जब मैं आपको उस वॉच का बताऊंगा ना एंड में तो आप डेफिनेटली वो वॉच तो आप खरीदना ही खरीदना चाहोगे। सो ट्रस्ट मी गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि ये चीज मैं बनाऊं एंड वॉच ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा जो कि अंडर रेटेड है अभी के लिए, लेकिन कुछ कुछ शायद आपके बैंक को ब्रेक कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे होंगे जो कि बैंक को ब्रेक ना करें। लेकिन पूरी वीडियो एंड तक देखना गाइस बिकॉज बहुत ज्यादा बढ़िया सी ये वीडियो होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स एक्चुअली बिगिन। सबसे पहला मैं निको लियोनार्ड के फॉर्मेट में इस चीज की बात करूंगा, द गॉड टियर वॉच दैट देयर इज द केसियो जी शॉक। अब केसियो जी शॉक एक ऐसी वॉच है जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट कलर्स बहुत सारे डिफरेंट तरीकों में आती है, 6-7 हजार से ही शुरू हो जाते हैं एंड वेल इट विल गो टू वेर एवर योर मनी कैन टेक यू। आई मीन बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं कान्ये वेस्ट वगैरह उन्होंने जी शॉक्स पहनी भी हैं करोड़ों की, लेकिन वो बात है कि उसके ऊपर डायमंड्स वगैरह लगते हैं, बट इन नॉर्मल देखो एकदम बेसिक सी वॉच बन जाती है। एज यू गाइस कैन सी बहुत ज्यादा बेसिक बहुत ज्यादा अच्छी सी ये वॉच बन जाती है। रेजिन का इसका स्ट्रैप रहता है अभी वाला जो आता होता है विच इज अगेन वेरी ड्यूरेबल। मैं खुद अपनी वॉचेस को गोवा वगैरह लेकर गया हूँ, बहुत आराम से इस्तेमाल हुई है, कोई दिक्कत इन्होंने कभी भी दी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ वॉच जो कि आपके लिए सालों साल चल सकती है। हाँ डिजिटल वॉच रहती है, इसके कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता, बट इट्स नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड जी शॉक्स इज समथिंग दैट इफ यू गाइज वॉन्ट टू पेयर इट अप विद एनी रेगुलर डे द कलर्स विल ऑलवेज हेल्प यू बिकॉज सिर्फ ऐसे ब्लैक कलर के नहीं होते, बहुत सारे कलर्स के जी शॉक्स आते हैं, बहुत सारे डायल कलर्स के जी शॉक्स आते हैं, जैसे मेरा रेनबो डायल है ऐसे बहुत सारे आते हैं। सो यू कैन मे बी ट्राई एनी वन दैट यू वॉन्ट एंड आई बिलीव यू गाइज विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। सो केसियो जी शॉक इज वेयर वी आर स्टार्टिंग एंड ट्रस्ट मी गाइज इफ यू गाइज हैव एनी केसियो जी शॉक मुझे टैग करना अपनी स्टोरीज में उन जी शॉक्स के साथ। नाउ नेक्स्ट वॉच ब्रांड, इट्स नॉट अंडर रेटेड बट दिस वॉच इज हेवीली अंडर रेटेड, दिस इज अ सीको कॉचुरा परपेचुअल डायमंड एडिशन। इसकी जो नॉर्मल वॉचेज हैं वो 37,000 से शुरू हो जाती हैं, ये वाली जो है ये 55,000 की है। दिस इज कॉचुरा परपेचुअल डायमंड एडिशन, अगेन ये सोलर है बट द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है ना वो पूरा डायमंड बैकेट से बना हुआ है। इफ आई कुड जस्ट शो यू गाइस ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है ये प्रॉपर डायमंड बैकेट से बना हुआ है जो कि रहता है, इसका डायमंड सर्टिफिकेशन मिलता है। दिस इज अ वेरी गुड एवरीडे वॉच, इसके बाकी कलर ज्यादा अच्छे हैं एवरीडे। ये रहेगा मैं इसको तब पहनता हूं जब मैं फुल ब्लैक सूट पहनता होता हूं, सो उसके साथ ये ब्लैक डायल एंड गोल्डन थोड़ा आउटशाइन करता है, आउटस्मार्ट करता है, सो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली। एंड दिस इज अ वॉच विच आई बिलीव कैन बी एक्सट्रीमली अंडररेटेड इफ यू गाइज हैव दैट मनी टू बर्न उतने के आसपास। आई वुड से यू गाइज विल नेवर गो रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ वॉच बिकॉज इस वॉच में ना अगर आप ध्यान से देखो आपको सब कुछ मिलता है। नीचे की तरफ हम लोगों को आर गाइडेंस मिलती है कितने घंटे हुए हैं क्या क्या चीज है वो सब चीजें, उसके ऊपर ऐसे अगर हम लोग बात करें हमको यहां पर सेकंड्स मिल जाता है, उसके ऊपर व्हेन आई टॉक टू अबाउट इट जो डेट है इसकी, ये जो ऊपर के जो बड़े वाला डायल होता है उसके अंदर डेट देखने को मिलती है। एक काम करता हूं मैं आपको इसको प्रॉपरली दिखाता हूं, यू गाइस विल अंडरस्टैंड। सो जैसे ही आप यहां पर देख सकते हो मुझे डेट्स एंड ऑल यहां बड़े वाले डायल में देखने को मिल रहे हैं कि कब कौन सी डेट है कब कौन सी डेट नहीं है। यहां पर डेज मिल जाते हैं, यहां पर आवर्स एंड मिनट्स का एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, यहां पर सेकंड्स मिल जाता है। सो दिस इज समथिंग स्लाइटली वेरी डिफरेंट बट आई बिलीव समथिंग विच इज वर्थ लुकिंग आउट फॉर। सो सीको कॉचुरा परपेचुअल रहती है ये वेट डायमंड एडिशन। इसको रखते हैं साइड में और फिर अगली वॉचेस की बात करते हैं क्योंकि जो अगली आने वाली वॉचेस हैं ट्रस्ट मी वो और ज्यादा बढ़िया सी और ज्यादा मस्ती होने वाली है। सो द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज वेयर वी मूव ऑन टू समर वॉचेस। ठीक है, समर वॉचेस ऐसी वॉचेस होती हैं जो कि थोड़े लाइटर कलर शेड्स में होती हैं, लाइटर टोन में होती है और उन वॉचेस के अंदर आप ड्रेस वॉच की तरह यूज कर सकते हो, रेगुलर डे टू डे वॉचेस की तरह भी यूज कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीजन वॉचेस, बेसिकली सिटीजन की आती हैं ऑटोमेटिक्स एंड अगर आपको कभी भी लेनी है मैं बोलूंगा इन वॉचेस आप कभी गलत नहीं हो सकते, लाइक यू विल नेवर बी रॉन्ग विद दीज वॉचेस। इट इज दिस इज अ सिटीजन ऑटोमेटिक वॉच, थोड़ी देखने में ये रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल और डेट जस्ट का एक हल्का सा मिक्सचर लगती है बिकॉज यहाँ डेट विंडो जो है वो 2.5x जूम के साथ है और जो इसका वो है स्लाइट प्रेजिडेंशियल इश ब्रेसलेट देखने को लग सकता है तुम लोगों को। सो दिस इज अ येलो डायल वॉच एंड
इसी का व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज अ ब्लू डायल वॉच. आई लाइक द ब्लू डायल वॉच अ लॉट. लाइक ब्लू डायल जो कलर है, येलो अगेन इज अ गुड कलर, थोड़ा ऑफ रहेगा एज कम्पेयर टू बाकी चीजें जब आप पहन रहे हो, बट ब्लू इज समथिंग जो किसी के साथ भी चल सकता है एंड बहुत ज्यादा एकदम नॉर्मल सा रहता है. सो दीज टू वॉचेस अगेन वेरी इनक्रेडिबल, सेम मूवमेंट्स हैं इनकी. थोड़ा सा एक रोलेक्स 31-32 मूवमेंट होता है, वैसा एग्जैक्ट नहीं है, बट मुझे लगता है कभी कभी कि यू नो शायद इसका मूवमेंट वैसा होना चाहिए. बट जापानीज वॉचेस के अराउंड ना these ones just you know come up pretty good. And Citizen, Seiko, ये कुछ ऐसे names हैं जिसके साथ मैं बोलूँगा you can never 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 be wrong with. So these two watches 100% check it out. और इनके और भी colors आते हैं, green color आता है, camo color आता है, full black color का dial आता है, royal navy blue color का dial आता है. So trust me, ये वाली watches I would say एक बार जाकर के check out करना, you guys will definitely love it. Now next one, अगर हम इनके dials की बात कर रहे हैं तो एक और है जिसके की डायल पे हम कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं. अगेन अनदर येलो वॉच फॉर मी, बट नॉट एग्जैक्टली अ येलो वॉच. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसाइज रोबस्ट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन शॉर्ट PRX. तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली मुझे ये स्पेशल डब्बा टीसो वालों ने गिफ्ट किया था. सो उसके अंदर लाइक दिस, इसके अंदर मैंने अपनी PRX डाल रखी है. सो मेरे पास 3 PRX हैं जो कि मैं मेजरली यहां पर दिखाना चाहता हूं. वन इज दिस टीसो PRX ऑल गोल्ड, ठीक है. ये बहुत प्यारी है, लाइक कलर के हिसाब से इट जस्ट स्टैंड्स आउट. लाइक डायल भी गोल्डन, ये सब भी गोल्डन, बट ये क्वार्ट्ज PRX है. ऑलराइट, सो PRX के अंदर 3-4 तरह की PRXs होती हैं. एक तो होती है पूरी क्वार्ट्ज PRX, ये आपको मिल जाएगी 25,000 से 32,000 के बीच में. उसके बाद आती है PRX पावरमैटिक, विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग ऑटोमैटिक, जो कि 80 आवर्स का पावर रिजर्व रखती है. बेसिकली PRX स्टैंड्स फॉर प्रेसाइज रोबस्ट एंड X मीन्स 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर, PRX जो उसका प्रेशर होता है. सो दिस इज द PRX आइस ब्लू डायल विच यू गाइज मस्ट बी रिमेंबरिंग, ठीक है. ये आइस ब्लू डायल वाली है, पारमैटिक. इसका जो पूरा मूवमेंट और मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक रहता है, एज यू गाइज कैन सी. सो दिस इज PRX पारमैटिक, उल्टी है अभी सीधी कर दे तो. हाँ, दिस PRX पारमैटिक एज यू गाइज कैन सी, दिस इज अगेन अ प्रीटी गुड वॉच. डिफरेंशिएट करने के लिए देखो, ये वॉफल डायल होता है, वॉफल जो आपने देखे होंगे खाने के लिए, वॉफल शेप डायल होता है. इसको देखोगे तो एकदम नॉर्मल डायल होता है. ऐसे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक का डिफरेंस सबसे पहला. Now, if we move forward, तो अभी recently मैंने ये watch ली है, which is the Tiffany color dial. But again, automatic. और Tiffany का मुझे तो वो नहीं मिला बिल्कुल भी, पारमैटिक वर्जन नहीं मिला. अगर होता तो मैं definitely वही लेता. But this is a Tiffany color dial as well. And ये वाली पड़ी मुझे 22,000 की. So 22,000, 31,000. And then this is what, somewhere between आपको ये मिल जाएगी. डायल पर डिपेंड करते हो, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हो. आइस ब्लू इज अ वेरी रेयर अवेलेबल डायल, बट नॉर्मली अगर ऐसे देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं 55,000 से 74,000 के बीच में इनकी अवेलेबिलिटी मिल जाती है पारमेटिक की. देन आती है PRX क्रोनो, जो कि 1,00,000 के ऊपर जाती है, 1,20,000, 1,30,000, 1,74,000 तक भी जाती है. PRX प्योर गोल्ड क्रोनो होती है, क्रोनोग्राफ्स वाली. सो वो वाली अलग हो गई, उनको तो आप छोड़ दो, उनको जाने दो, ठीक है. हम लोग इन लाइक टीसो PRX इज One of the most underrated things. अगर आप watches के अंदर हो, I would say एक Tissot PRX रखो अपने पास. But एक और watch brand है जो कि आपको रखना चाहिए. ये एक ऐसा watch brand है which has seen its own ups and downs, and this is the watch brand which I was talking about, जिसकी मैं बात करूंगा. ये है HMT Kohinoor, जो कि watches होती हैं. इसका ये मैंने strap बदलवा रखा है. But HMT Kohinoor manual winding watches रहती हैं, mechanical manual winding watches. और इनफैक्ट इतने टाइम से मैंने अपने हाथ पे पहन भी रखी थी. दिस इज दी HMT Kohinoor. ये ब्लू डायल में है, ये चेरी रेड डायल में है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन वॉचेस पे तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते हो. प्लस अगर आपको कस्टमाइज बनवानी है, सो दिस इज अ कार्टियर टैंक HMT Kohinoor. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज वॉचेस, मुझे मैं बताता हूं, 2,700 rupees ओनली, 2,700 रुपीज ओनली. स्ट्रैप का मिला करके इट वॉज अराउंड 3,300 रुपीज टोटल. एंड देन 4,000 रुपीज फॉर द एंटायर कस्टमाइज वॉच. HMT Kohinoor इज अ वेरी 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 हेविली अंडर रेटेड ब्रांड. लाइक HMT इन स्पेसिफिक, Kohinoor इनका एक स्टाइल रहता है. HMT जनता आती है, पायलट आती है, Kohinoor आती है. इसमें Kohinoor एक बहुत अच्छी वॉच बन जाती है. सो यस, ये बहुत अंडररेटेड वॉचेस हैं, मैनुअल वाइंडिंग वॉचेस होती हैं. इनको आपको मैनुअली, लाइक जैसे ये वॉच है मेरी, आई डोंट नो अगर आप सुन पा रहे हो, बट ऐसे ये वाइंड होती है और चलने लग जाती है.
सो इस तरीके से वाइंड होती हैं सारी वॉचेस एंड ये चलने लग जाती है। सो आपको इसको मैनुअली वाइंड करना पड़ता है, 15-20 सेकंड तक वाइंड करो, फिर आराम से एक दो दिन आपका ये निकाल देती है। सो यस, HMT इज वेरी अंडररेटेड एंड आई बिलीव कि आपको अगर वॉचेस में घुसना है और इफ यू वांट अ वॉच, इंडिया की वॉचेस हैं ये, बहुत ज्यादा बढ़िया HMT वॉचेस के, आप वेबसाइट पर जा सकते हो, फिर थग ने मुझे बताया था HMT का बॉट होता है ट्विटर पे, उसको आप देख सकते हो कि यू नो वो अपडेट करता रहता है जब भी आपको जो वॉच चाहिए वो अगर अवेलेबल हो तो। बट ट्रस्ट मी गाइस, इनसेन वॉचेस। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोस्टेंड, पीस। हैव एन अमेजिंग डे, टेक केयर, बाय बाय।